अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुश आमदीद टू नई मेरे चैनल। दोस्तों मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। तो इससे पहले मैंने वीडियोज में बताया था कि आपको किस तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है। इसके बाद ये भी बताया था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे करना होगा। तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहले हिस्सा एमएस वर्ड को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको ये भी याद तो करना होगा कि आपको किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर दे और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले हिस्सा मीन एमएस वर्ड को किस तरह स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सिंपली वेन वर डब्ल्यू आई एन डब्ल्यू आर डी। तो इस तरह मेरे सामने दो ऑफिस आ गई, एक है 2007 और एक है 2016। तो मैं एक एडवांस वर्जन स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है। इसके बाद 10 भी आया है, फिर 13 भी आया है, तो 16 एडवांस है। मगर इसमें इतनी ज़्यादा फर्क नहीं है, आप दोनों को एक जैसी यूज़ कर सकते हो। बहरहाल मैं 2016 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कर दे और इस तरह आपके सामने 2016 ऑफिस का विंडो खुल जाएगा। ये तो एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता ये है कि आपको कीबोर्ड से रन कमांड को कैसे ओपन करना है, तो विंडो लोगो बटन को प्रेस करके आर दबाइए तो आपके सामने विन वर्ड मीन रन कमांड का विंडो आ जाएगा। वहाँ पर आप सिंपली टाइप कर दें विन वर्ड। आप सोच रहे होगी कि मैं बार बार एक नेम क्यों टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि एमएस वर्ड के बहुत से नाम हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन और एमएस वर्ड इस तरह, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्टार एक्सेट्रा। मगर विन वर्ड जो है ना इसकी एग्जीक्यूटिबल नेम है। ओके, जैसे कि इसकी एक्सटेंशन नेम है DOC100, जिससे ये पहचान जा सकता है कि ये एमएस वर्ड का फाइल है, मीन इसमें बना हुआ है, इसमें सेव हुआ है। तो इस तरह ये एग्जीक्यूटिबल नेम है, मैंने यहाँ पर लिखा और इस तरह ओके प्रेस कर दे तो आपके सामने, अगर मैं यहाँ ओके करूँगा तो मेरे ख्याल से 2007 आएगा। तो आपको अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपके पीसी में एक ही ऑफिस हो तो यहाँ सिंपली एमएस वर्ड मेन वर्ड टाइप कर दो, ओके प्रेस कर तो वो ऑफिस खुल जाएगा। सो बहरहाल जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे, इजी लगे तो आप यूज कर सकते। इस तरह और भी बहुत से रास्ते हैं, मिसाल सीएमडी में क्लिक कर दो, वहां पर आप लिख देगी विन वर्ड एक्सेट्रा। सो चले दोस्तों ये आसान तरीका है, स्टार्ट में क्लिक कर दे और टाइप कर दे विन वर्ड और इस तरह आप ओपन कर ले। तो दोस्तों आपके सामने एक विंडो आ गई है एमएस वर्ड 2016 की, जो बहुत मुख्तलिफ है इसी। दोस्तों मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर जिस तरह पहले आप एमएस वर्ल्ड 2007 फिर 10 13 आपने देखा ही होगा, मगर वहाँ पर एक मैं कह सकता हूँ कि एक फीचर है जिस तरह 2007 में नहीं था और अब 10 और 13 और 16 में है, जैसे कि वन ड्राइव और स्काई ड्राइव। बहुत ज़बरदस्त फीचर है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक फाइल आपको, आप ये कहते हैं कि मतलब ये फाइल लॉस ना हो जाए तो आप वन ड्राइव में सेव कर दें, क्योंकि वो ऑनलाइन है। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरह आप एक फाइल वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। बहरहाल मैं आप ये शुरू करना चाहता हूँ कि आपको ये समझ आए कि आपको एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि मिसाल मेरे सामने ये टेम्पलेट है, तैयार टेम्पलेट है। इस वक्त मेरे इंटरनेट कनेक्टर है तो इसलिए ये तमाम टैबलेट नजर आ रहा है, और मैं ऐप पर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन है तो मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा। चले यहाँ पर लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर मैं ब्लैंक पर क्लिक करूंगा तो मीन ब्लैंक डॉक्यूमेंट मीन न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको मुख्तलिफ किस्म की सजेस्ट दी हुई है, मिसाल बिजनेस, इंडस्ट्री, पर्सनल एक्सेट्रा, अगर आपको मिसाल मैं देखता हूँ एजुकेशन टेम्पलेट हो तो एजुकेशन पर क्लिक कर दें तो थोड़ा सा वेट कर दिए, ऑनलाइन सर्च करेगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपके सामने एक टेम्पलेट आ गई है, जिसको भी आप यूज करना चाहते हो क्लिक कर दे। मिसाल के तौर पर मैं एक पर क्लिक कर दो, ये पर इस पर क्लिक करूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है क्रिएट कर दे। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूँ तो वहाँ पर साइज भी लिखा हुआ है, मिसाल 767 मीन 767 KB क्रिएट कर ले और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। डाउनलोडिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो बहरहाल मैं ऐसे करता हूँ कि इसे क्लोज कर दें, मैं वापस आता हूँ न्यू ब्लैंक पर, बात करता हूँ कि न्यू
आपको कैसे तरह न्यू डॉक्यूमेंट शुरू करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है वर्ल्ड और यहाँ पर लिखा है रिसेंट। रिसेंट का क्या मतलब है? रिसेंट का मतलब कुछ यू है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आपको किसी जरूर काम से ये उसको छोड़ना पड़ा और बाद आवर या 2 आवर ऐसे भी ज़्यादा टाइम वापस आ गई, तो आप यूँ नहीं करना कि वहाँ पर डी ड्राइव पर या मतलब किसी और फोल्डर में आपने फाइल सेव किया तो आप डबल क्लिक कर दो ओपन कर सकते कर ले। वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, मगर ये भी ईजी वे है कि आपको हमेशा ओपन कर लें और यहाँ पर आना चाहिए रिसेंट फाइल में अपना फाइल देखिए देख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक फाइल है, मैं ज़रा चेक करता हूँ कि कहाँ पर फाइल, मिसाल बॉड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये 2007 में ओपन हो गया। सॉरी ऐसे कर ले कि ऐसे कैंसिल कर दें, यस ओके क्लोज इट, राइट क्लिक प्रेस कर दे, राइट क्लिक यहाँ पर से आप ओपन ले 16 ऑफिस के साथ ओपन कर दे। तो ये था वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फाइल, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने ये नहीं करना कि मिसाल वापस आना है कंप्यूटर में एफ ड्राइव में क्लिक करें वहाँ पर से आप वो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फाइल ओपन कर दे, नहीं नहीं ऐसे करो कि सिंपल आ जाए और आपने एमएस वर्ड ओपन करना है। जैसे ही ओपन कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली मैं टुडे आज आपने ओपन किया था, ये देखो आप देख लास्ट वीक मतलब पिछले वीक में हफ्ते मैंने जो ने जो फाइल आपने ओपन किया हो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह ये फाइल जो है ना, जैसे कि मैं ओपन करता हूँ विन वर्ल्ड, तो ये है और रिसेंटली फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक फाइल सेव किया और इसमें रिसेंट फाइल में मौजूद ना हो तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ओपन अदर डॉक्यूमेंट, जैसे ही क्लिक कर दें तो आपके सामने आ जाएगा रिसेंटली फाइल आल्सो। इसके बाद आपको शेयर जो आपने शेयर किया हो वन ड्राइव, जैसे कि मैं बात करूँगा वन ड्राइव इंशाल्लाह डिटेल से, वन ड्राइव पर मैं एक क्लास लूँगा, मैं इसकी आईडी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह माय पीसी मीन मेरे कंप्यूटर में देखिए कि कहाँ पर है, अगर नहीं ब्रोज कर सकते हो कहाँ पर आपके फाइल मौजूद है तो आप वहाँ सेलेक्ट करके ले आ सकते हो। बहरहाल आपको जो भी मतलब रिसेंट फाइल भी ओपन कर सकते हो, ओपन से भी कर सकते हो, जो भी आसान आपको लगे वो कर ले। तो यहाँ पर लिखे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट मीन खाली मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर दें तो आपके सामने एक विंडो अपेयर हो जाएगी। ये है 2016 ऑफिस की एमएस वर्ड विंडो। जैसे कि आपको तो पता होगा कि मिसाल आपने देखे ही होगा कि 2007, 2010, 2013 इसमें मुख्तलिफ की फीचर, मुख्तलिफ किस्म की फीचर आई थी, मगर इसमें बहुत सी फीचर ऐसी है बहुत आसम है ज़बरदस्त है। पर मैं जो भी शुरू करूंगा तो इससे पहले मैं आपको एक और बात भी बतलाना चाहता हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड को या मतलब एक्सेल पावरपॉइंट जो भी हो इसके इंटरफेस याद करना पड़ेगा। अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस को हम 3 नेम कह सकते हैं, इंटरफेस भी कह सकते हैं, एनवायरमेंट भी कह सकते हैं और इस तरह लेआउट भी कह सकते हैं। उसकी मतलब क्या है, मतलब ये आपको आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिसाल ये इस चीज़ का क्या नाम है, इस बटन का क्या नाम है, इस जो होम इंसर्ट डिज़ाइन इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इस तरह मैं जहाँ काम कर रहा हूँ इसका क्या नाम है, इस तरह मैं जी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, इसकी एक स्पेसिफिक नेम है, उसको याद करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक प्रॉब्लम आ जाए और आपको किसी को कॉल करें कि जी मुझे एक कमांड अप्लाई करना है मगर मुझे पता नहीं कि कैसे करने है, एक काम करना है, मिसाल के तौर पर मुझे एक शेप एंटर करना है तो इंसर करना है, तो आप सोचोगे किसको कॉल करूँ। एक एक्सपर्ट आदमी को आपने कॉल किया और उससे पूछे कि जी मुझे एक प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम कुछ ये है कि मुझे एमएस वर्ड में एक शेप लाना है, तो आपको वो क्या कहेगा ये कि आप ऐसे करें कि इंसर्ट में इंसर्ट मीनू में क्लिक कर दे, वहाँ रिबन आ जाएगा, रिबन में आपको टेबल्स की एक कमांड ग्रुप होगी वहाँ पर क्लिक कर दे आओ। इसके साथ ही एक शेप कमांड है और शेप से आप एक शेप इंसर्ट कर दें। तो सबसे पहले आपको मतलब सोचिएगा कि ये रिबन क्या है, होम या इंसर्ट और टैब्स क्या है, ग्रुप क्या है, तो इसलिए आपको ये याद करना है कि होम क्या है, इंसर्ट क्या है एक्सेट्रा, ये तमाम बातें याद करनी है। तो इसको हम कैसे कहते हैं लेआउट इंटरफेस और एनवायरमेंट। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज लेआउट। आज के लिए इतने ही काफी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।